Before we move on, please click on the subscribe button to get the latest video update. हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे डिजिटल गुजरात पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसके बारे में। आप सभी जानते हैं डिजिटल गुजरात गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का डेडिकेटेड पोर्टल है सारी सर्विसेज के लिए जो वो ऑनलाइन ऑफर करते हैं वहाँ के डोमिसाइल लोगों के लिए, जिनमें से एक है स्कॉलरशिप्स जो वहाँ के स्टूडेंट्स जो वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। अगर हमें किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम इस पोर्टल पर रजिस्टर करें। आप जैसा कि देख सकते हैं हम इस वक्त होम पेज के हैं इस पोर्टल के, जिसका URL है www.digitalgujarat.gov.in। हम यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए, अगर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो करना है, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन बटन पे जाएंगे। आप देख सकते हैं लॉगिन बटन पे यहाँ पे ये लॉगिन का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रजिस्टर नहीं हैं तो यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सिटीजन का ऑप्शन दे रखा है, जिसके थ्रू हमें रजिस्टर करना है। इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स के लिए अलग ऑप्शन दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, और ऑफिशियल लॉगिन के लिए अलग ऑप्शन दे रखा है। तो हमें ध्यान देना है कि हम सिटीजन वाले रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं या वहाँ के डोमिसाइल सिटीजन हैं। आप देख सकते हैं अगर आपको पहले कोई कंफ्यूजन है तो नीचे यहाँ पे यूजर मैनुअल दे रखी है इंग्लिश में, जिसको आप पढ़ सकते हैं फॉर बेटर असिस्टेंस। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको प्रॉब्लम फॉर्म फिल करने में या रजिस्टर करने में, तो आप इसको देख सकते हैं। हम विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन, हमने क्लिक किया। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, हमने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये आता है ऑप्शन, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल दीजिए। हमें मोबाइल नंबर डालना है, हमें ईमेल आईडी डालनी है। हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो ये दिखा रहा है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है। आप पासवर्ड डालेंगे, मैंने पासवर्ड ईमेल आईडी डाल दी, हम कोई दूसरा नंबर डाल देते हैं। हमें ये पासवर्ड डालना है। अब पासवर्ड में भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी गाइडलाइंस यहाँ नीचे दे रखी हैं ये आप देख सकते हैं। पासवर्ड मस्ट बी 6 to 40 कैरेक्टर्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमरिक लेटर्स विद एटलीस्ट 1 न्यूमरिक, 1 अपर केस कैरेक्टर, 1 लोअर केस कैरेक्टर एंड 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना पासवर्ड बनाना है। वहीं से पासवर्ड दोबारा से टाइप करना है, फिर ये जो टेक्स्ट दे रखा है कैप्चा में हमें वो डालना है एंड देन सेव पे जाना है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होती है और हमारे पास में वेरिफिकेशन कोड OTP आता है हमारे मोबाइल नंबर पे, जो हम डालेंगे और फिर यहाँ से कंफर्म करेंगे तो आगे का फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हम चले जाते हैं। इसके अलावा जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में फिर वो आपसे नॉर्मल डिटेल्स, आपकी जो बेसिक डिटेल्स होती हैं, पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो पूछता है एंड आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। फर्दर उसके बाद में आपको कोई सर्विस अगर रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ता है और उसका ऑप्शन अलग होता है किस तरह से आपको कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई करना है। उसका इन्फॉर्मेशन हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।